जय श्री राम मित्रों, मैं हूं आपका मित्र देवीलाल पाटीदार और आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान देवीलाल पाटीदार चिरोला छोटा। दिनांक है 6 सितंबर 2024 और समय है लगभग शाम के 5:30 बज रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कृषक मित्र और भूमि पुत्र दो व्हाट्सएप समूह है, जिनके मिलन समारोह में हमने मंच के माध्यम से आपको पूरे सितंबर के महीने की जानकारी दी थी, लेकिन वो जानकारी कुछ ही किसानों तक सीमित रह गई है, वो सभी किसानों तक नहीं पहुंची है। अतः अन्य किसानों के मन में भी यह जानने की इच्छा है कि आने वाले दिनों में बारिश कैसी रहेगी, पूरे सितंबर की क्या स्थितियाँ और क्या परिस्थितियाँ रहेगी। तो अतः परिस्थितियाँ वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस नए वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे की परिस्थितियाँ जो है समझाने की कोशिश कराएंगे। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हमने पिछले वर्ष की बात करें तो यहीं से बैठकर हमने 4 सितंबर के आसपास जो है पूरे महीने के जो है कितने लो प्रेशर बनेंगे, क्या स्थितियाँ रहेंगी, तो हमने ये बताया था कि 4 सिस्टम बनेंगे, उसके अनुरूप एक के बाद एक सिस्टम सक्रिय हुए और काफ़ी बारिश अति भारी बारिश देखने को मिली। लेकिन इस बार केवल 2 सिस्टम हैं जिनको हमने मंच के माध्यम से बताया था। एक तो 1, 2, 3, 4 के आसपास जो है सितंबर में निकल गया, जिसके दौरान कई स्थानों पर भारी मतलब अच्छी बारिश देखने को मिली है, और दूसरा बताया था हमने 15 सितंबर के आसपास, उसके अनुरूप जो है आज बंगाल की खाड़ी पर जो है 5 या 6 मतलब आजकल में जो है सिस्टम बन चुका है, और ये सिस्टम बना है इसी कारण बादलों का एक लेयर बना है, जिसके कारण आज कल और परसों ये 2-3 दिन जो है बारिश होगी और कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस सिस्टम के बनने के बाद एमपी तक आने में लगभग 10 से 11 दिन लगेंगे, तो हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे कि आगे की स्थिति और परिस्थिति क्या रहेगी। दूसरा यह था मित्रों कि जैसा कि आप जानते हैं, पूरे वर्ष में अभी तक किसानों में जो है बारिश को लेकर असंतोष है, क्योंकि ये फसल तो लगभग पक जाएगी, लेकिन जो है अगली फसल को लेकर किसान चिंतित हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी भारी शब्द का उपयोग नहीं किया है और अब भी नहीं करूँगा, लेकिन समय और परिस्थिति के साथ में जो भी हो जाए उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैप है आपके सामने, इसमें अब मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखें कि जो है 5-6 तारीख यानी कि बीता हुआ कल और आज लगभग ये लो प्रेशर यहाँ पे बन चुका है, ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा। तो क्या है कि 6 तारीख हो गई, आज बन गया, तो एक लेयर बनेगा यहाँ से बादलों का, ये यहाँ से लेके कुछ इस तरह से एक लेयर बनेगा, जिसके कारण जो है आज यानी कि दिनांक 6, 7 और 8 और हो सकता है तो 9 ये 2-3 दिन तक बारिश होती रहेगी यहाँ पे। इसके बाद में क्या होगा कि ये 10, 11, 12 यानी कि 12 के आसपास ये यहाँ पश्चिम बंगाल तक आएगा, तब क्या होगा कि एक लेयर फिर बनेगी बादलों की, ये ऐसे जब ये यहाँ आएगा, तो इस दौरान क्या होगा कि ये बीच ये इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी अच्छी बारिश यानी कि 11 या फिर 12 13 के आसपास जो है देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यानी कि ये 5 और 6 तारीख को यहाँ पे जो बना था, तो इसको यहाँ तक एमपी तक पहुँचने में 15-16 तारीख तक ये जो है पूर्वी एमपी तक आएगा यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा कि ये जो लेयर बनी है आप देख सकते हैं, ये जो रेखा है ये देख सकते हैं आप इधर, ये तो इसके एक तरफ क्या होगा, ये इधर से शुष्क हवा आएगी, यानी कि यहाँ से हो सकता है मानसून विभाग ये घोषणा करे कि राजस्थान से के कुछ हिस्सों में से मानसून जो है विड्रॉ हो चुका है, लेकिन ये बात की बात है। तो ये शुष्क हवा आएगी और इधर से जो है सिस्टम की हवा आएगी, तो इन दोनों में लगभग 15 या 16 के आसपास टकराव होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जीता वही सिकंदर, ये यहाँ से अगर जो सिस्टम 16-17 में आगे बढ़ा तो पश्चिमी एमपी में भी बारिश 15 से 20 के बीच में होगी, लेकिन अभी कोई परिस्थिति ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि ये हवा अगर जो मजबूत रहेगी, ये शुष्क हवा अगर जो मजबूत रहेगी, तो जो सिस्टम है यहाँ से रिकवरी कर लेगा ऐसे, जिस कारण से उसके बाद में कोई बारिश नहीं होगी,
और लगभग मानसून विड्रा हो जाएगा। देखिए इधर से जब हवाएं चलेगी तो ये इसमें देख सकते हैं आप ये लेयर, ये इस क्षेत्र में जो है पूरा मौसम जो है शुष्क हो जाएगा। ये बस इस क्षेत्र में केवल जो है बारिश बचेगी, लेकिन ये परिस्थिति 15 या 16 के आसपास अब यहाँ पे जब आएगा सिस्टम, तो दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों में जब एक तरीके से कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा होगा, तो इन दोनों में से कौन मजबूत रहेगा, जो मजबूत रहेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर जो शुष्क हवाएं मजबूत रहेगी तो ये आगे बढ़ेगी और इस सिस्टम को इधर धकेल देगी, और अगर जो ये सिस्टम मजबूत रहेगा तो ये आगे बढ़ेगा और पश्चिमी MP और गुजरात और राजस्थान में जो है बारिश देगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये जो वीडियो है सभी किसानों के भाइयों के पास जो है पहुँचाए। और दूसरा ये था कि जब ये सिस्टम इधर रिकवरी कर लेगा तो इसके बाद में कोई सिस्टम है नहीं, इस महीने में केवल दो सिस्टम थे जिसकी जानकारी हमने आपके समक्ष जो है रख दी। तब इसमें अगर जो कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको अगले मैसेज के माध्यम से बताएंगे।